subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आ चुका हूँ एक नई और मजेदार वीडियो लेके। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो भी एक नए यूट्यूबर होते हैं वो अपने चैनल में ऐसी कौन सी 7 गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनका चैनल प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाता। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कंटेंट। क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैंने यूट्यूब चलाना शुरू किया था, क्योंकि जो अभी मेरा रिसेंट चैनल है वो 8वां चैनल है, तो इससे पहले मैं अपने वीडियोस को बेटर बनाने के लिए जो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, क्योंकि आप सभी को पता है बैकग्राउंड म्यूजिक हमारे वीडियो की क्वालिटी को कितना इम्प्रूव करता है और काफी बेटर लगता है, तो मैं जो कॉपीराइट म्यूजिक होते थे उनको ऐड कर लेता था, जिसकी वजह से मेरे कई चैनल बंद भी हुए हैं। क्योंकि आप सभी को पता है अगर आप ज्यादा लिमिट्स में अगर विदाउट एनी कॉपीराइट सॉन्ग्स का यूज करते हैं तो आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया जाता है, अगर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स एक साथ आ जाती। तो स्टार्टिंग में सभी ऐसा करते हैं कि अपने वीडियोस को बेटर बनाने के लिए कॉपीराइट कंटेंट का यूज कर देते हैं, चाहे वो म्यूजिक हो या वीडियोस हो या किसी और का कंटेंट अगर आप यूज करेंगे, तो प्रॉपरली अगर आप जो गाइडलाइंस हैं यूट्यूब की उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक जरूर आ जाएगी। तो फर्स्ट बात है कंटेंट, आपका कंटेंट बिल्कुल क्लियर हो और एंड उसमें कोई भी कॉपीराइट जो भी क्लेम्स वगैरह होते हैं वो ना हो, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा वीडियो अपलोड होने के बाद। तो वो सेकंड बात है आपकी टाइटल, क्योंकि आप सभी को पता है जैसे हम वीडियो अपलोड कर देते हैं तो कईयों का टाइटल प्रॉपर नहीं होता, मीन स्टार्टिंग में सिर्फ 1 या 2 वर्ड लिखे होते हैं, वो भी बिल्कुल क्लियर नहीं, उनकी भी स्पेलिंग्स गलत होती हैं। तो जो भी आपकी वीडियो में कंटेंट है वो आपके टाइटल में बिल्कुल क्लियर, आप 2 या 3 टाइटल देख अपने वीडियो में दे सकते हैं और अपना नाम भी उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि टाइटल से ही आपका वीडियो सर्चिंग में आएगा, अदरवाइज आपका तो वीडियो शो ही नहीं होगा कभी भी अगर आप कितने भी वीडियोस अपलोड कर देंगे। तो सेकंड बात है टाइटल, एंड थर्ड बात है आपकी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आप सोचिए यूट्यूब ने 5000 वर्ड्स का ऑप्शन दिया होता है, तो वो तो ऐसा तो नहीं कि फ्री में दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में मेन है अपने वीडियो का टाइटल दीजिए, एंड जो भी आपकी वीडियो में कंटेंट है आप उसको ब्रीफली या शॉर्टली उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड ये आपको यूट्यूब को हेल्प करता है जब कोई भी आपके जो टाइटल्स होता है उसके रिगार्डिंग सर्च करता है, तो उस रिगार्डिंग के जो भी आपने टाइटल्स आपने वीडियो में बताया होगा तो यूट्यूब नेचुरली आपकी वीडियो को कैप्चर करके उस सर्चिंग रैंक में आपके वीडियो को ले आएगा। तो सेकंड है आपका डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का प्रॉपरली यूज कीजिए जो आपकी वीडियो में कंटेंट है वो, अदरवाइज आप किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन या कुछ भी कर रहे हैं अपनी डिटेल देना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में दीजिए, और जो भी आपकी वीडियोस में एक्स्ट्रा है तो आप योर क्वेरीज में लिख के नीचे उस टॉपिक को और लिख सकते हैं। तो आपका थर्ड हो गया डिस्क्रिप्शन, एंड फोर्थ है आपका टैग्स। आप जो आप पहले टैग्स की लिमिट 100 थी, लेकिन अब टैग्स आप 500 वर्ड्स तक टैग दे सकते हैं, तो टैग्स का भी आपको प्रॉपरली यूज करना है और कोशिश कीजिए स्पेसिफिक होता है, मीन आप स्पेसिफिक सिंगल वर्ड कीवर्ड दीजिए, एंड एक कंपाउंड टैग होता है कि 4 या 5 वर्ड का, जैसे मान लीजिए मैंने एक वीडियो बनाया है हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, तो स्टार्टिंगली ऐसे लीजिए हाउ टू क्रिएट यूट्यूब अलग लिखिए देन लिखिए यूट्यूब चैनल, तो इसी तरह से लास्ट में कंपाउंड टैग्स होते हैं हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल एक कंपाउंड है, तो इसी तरह से आप स्पेसिफिक और कंपाउंड जो टैग्स होते हैं उनका यूज करके, एंड जो लास्ट का जो नॉर्मल जनरल टैग्स होते हैं प्रॉपरली आप उनका यूज कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब वीडियोस, वायरल वीडियोस, एंड फोर्थ जो आपको पता है कि स्पेलिंग्स कईयों को प्रॉपरली नहीं आती है, तो आप उसमें जो मिस्टेक्स होती है स्पेलिंग की आप वो भी उसमें टैग्स में डाल सकते हैं। तो फोर्थ हो गया आपका टैग, एंड फिफ्थ जो मिस्टेक है आई बटन। अभी आपको मेरे स्क्रीन पे यहाँ या यहाँ का जैसे एक आई बटन दिख रहा होगा, बंदे उसका यूज नहीं करते, बंदे निकल गया सॉरी, एंड मीन क्योंकि आप वीडियोस बनाते हैं तो आप सीधा उसको अपलोड कर देते हैं ना आई बटन, आपको पता है जैसे मैंने पहले जो चैनल्स रन किए थे उस पे ऑलमोस्ट अगर आपकी वीडियोस पे 100 व्यूज आते हैं तो उस पे 10% व्यूज आपके जो एक्स्ट्रा जो आई बटन होता है उसके ऊपर क्लिक करके और आते हैं। तो मान लीजिए किसी ने मेरे ये वीडियो देखा, अगर मैं आई बटन के ऊपर आपको कुछ अभी आ रहा है, अभी कोई वीडियो आपको रिकमेंडेशन में आ रहा है, तो आप उसको भी चेक करके देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर वो आपके टॉपिक के रिगार्डिंग है तो आप उसको जरूर चेक करेंगे। तो फिफ्थ आपका आई बटन का प्रॉपरली आपको यूज करना है हर वीडियो में, एंड सिक्स्थ है आपका एंड स्क्रीन, क्योंकि जैसे ही आपका वीडियो फिनिश होता है तो अगर आप उस टॉपिक के रिगार्डिंग अपने अदर वीडियोस को एंड स्क्रीन पे आप कितने भी वीडियोस लगा सकते हैं, एंड अपने जो सब्सक्राइब बटन का होता है उसको भी दे सकते हैं, जिससे आपके सब्सक्राइब एंड जो आपके व्यूज हैं प्रॉपरली वो ज्यादा होंगे। मान लीजिए 100 व्यूज आपके इस वीडियो पे मुझे इस वीडियो पे मिल रहे हैं तो ऑलमोस्ट 10 से 15 व्यूज मुझे एक्स्ट्रा उस वीडियो पे ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि नेचुरल से आता है मेरे इस वीडियो आपको देखकर अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, तो नेचुरल से आता है मेरी और वीडियोस देखना चाहेंगे ताकि आपको प्रॉपरली ज्यादा नॉलेज मिले एंड ताकि आप प्रॉपरली ग्रो कर पाएं।
तो आप उन वीडियो के ऊपर जाके देखेंगे। तो इसी तरह से हम एक पैटर्न बना कि वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आए तो वो वहां से वापस ना जाए एंड कुछ ना कुछ वहां से सीख के जाए। तो नंबर 6 है एंड स्क्रीन एंड नंबर लास्ट जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो थंबनेल। लास्ट थंबनेल है एंड ये लाइक इस तरह है जैसे एक बुक है, आपने बहुत अच्छी बुक लिखी है लेकिन जो उसका आउट कवर पेज होता है वो बिल्कुल ऐसा बनाया है कि जरा भी अट्रैक्टिव नहीं है एंड लोग उसे पढ़ेंगे नहीं, चाहे आपकी वीडियो चाहे आपकी बुक में कितना भी अच्छा कंटेंट क्यों ना हो। तो YouTube वीडियोस का भी इसी तरह से है, चाहे आपने कितनी भी अच्छी इन्फॉर्मेशन अपने वीडियोस में दी है लेकिन आपने अपना जो बाहर का कवर फोटो होता है ना जिसको हम थंबनेल कहते हैं, अगर वो प्रॉपरली नहीं बनाया है तो आपके वीडियोस को लोग नहीं देखेंगे। तो आप जैसे ही वीडियो बनाते हैं या वीडियो बनाने से पहले तो अपना थंबनेल बना के रखिए जो भी आपकी वीडियो में है, प्रॉपरली उसको एक अच्छा सा थंबनेल सेटअप कीजिए। मैंने पहले से इसके रिगार्डिंग वीडियो बना के रखा है, आप मेरी वीडियो में वहां जाकर उसको चेक कर सकते हैं, अदरवाइज उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसी तरह से आप अपने थंबनेल बना के रखिए एंड जैसे ही आपका वीडियो अपलोडिंग लगता है तो आप YouTube स्टूडियो में जाकर अपने उस थंबनेल को सेट कर दीजिए। जैसे ही आपका वीडियो अपलोड होगा एंड आपका थंबनेल भी उसी के साथ अपलोड होके प्रॉपरली जैसे ही आपने बनाया होगा उसी तरह से वो सेट हो जाएगा। अदरवाइज आपकी वीडियो में थंबनेल कुछ इस तरह का फेस दिखेगा, कुछ इस तरह का फेस दिखेगा, वो प्रॉपरली लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। तो आपको एक अच्छा सा थंबनेल बनाना है एंड ये थी आज 7 मिस्टेक जो मैंने खुद की थी एंड मैं चाहता हूँ कि आप ये 7 मिस्टेक्स ना करें अपने चैनल को ग्रो करने में। तो आई होप आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया लेकिन नॉलेज आपको प्रॉपरली मिला होगा एंड इसी तरह की नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए आप हमारी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस।